इस वीडियो में हम मूवी रिव्यू देने वाले हैं। पुष्पा 2 का ट्रेलर जो है लॉन्च हो चुका है और एक्शन और ड्रामे का बेहतरीन तालमेल दिया गया है। पुष्पा 2 का ट्रेलर देख लो, बोले बहुत सारे रिव्यू देंगे आपको। साल 2024 के मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल ऑफ ट्रेलर 6 भाषाओं में रिलीज हो गया है और आप इस 2 मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर को हिंदी, तमिल, मलयालम, बांग्ला, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं। ट्रेलर में एक्शन, ड्रामा, दमदार डायलॉग्स का बेहतर तालमेल देखने को मिल रहा है और ट्रेलर देखने के बाद लोग उत्साहित हो गए हैं और वे सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस शेयर कर रहे हैं। और आइए आपको बता दें कि वे क्या कह रहे हैं। ट्रेलर देखने के बाद एक ने लिखा, 2000 करोड़ कन्फर्म हो गया। दूसरे ने लिखा, ट्रेलर देखने के बाद मुंह से एक ही चीज निकली है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। तीसरे ने लिखा, फायर नहीं वाइल्ड फायर है रितु, मजा आ गया। लोगों को पसंद आए ये डायलॉग्स। लोगों को पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर में सुनाए गए 2 डायलॉग्स पसंद आ रहे हैं। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल है। लोग बोले, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, एसपी भंवर सिंह फायर है तू, पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहादा फासिल की फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होगी और इस फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स के सुकुमार ने किया है और वही म्यूजिक जो है टी सीरीज ने दिया है। और कहाँ देख सकते हैं पुष्पा द राइज? तो यहाँ पर पुष्पा 2 द रूल देखने से पहले पुष्पा द राइज देखना जरूरी है। अगर आपने पुष्पा द राइज नहीं देखी है तो आपको इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पे देख सकेंगे। और यहाँ पर पुष्पा 2 में छावा तक दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में रिलीज हो गई ये फिल्में। और मूवी लवर्स के लिए दिसंबर की कड़कड़ाहट ठंडी बेहद खास होने वाला है क्योंकि मूवी दिसंबर के महीने में एक नहीं बल्कि कई शानदार फिल्में रिलीज होने जा रही हैं और जिसे आप पॉपकॉर्न के साथ मजा लेते हुए थिएटर में देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी फिल्में हैं जो कि इस दिसंबर में रिलीज होने वाली हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा के दूसरे पार्ट का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। पुष्पा 2 सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और इस महीने की विकी कौशल की शानदार फिल्म छाव भी रिलीज होगी और ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का दर्शकों का लंबे वक्त से इंतजार है। मूवी में विक्की एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। और दूसरा एक और फिल्म आ रहा है, वेलकम टू द जंगल। मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल भी आपको हंसाने के लिए दिसंबर में आ रही है। अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पाटनी की कॉमेडी फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होगी। और वनवास का भी आ रहा है दिसंबर में ही और धमाकेदार अंदाज में नजर आने वाले हैं नाना पाटेकर। उनकी फिल्म वनवास भी दिसंबर में दस्तक देगी। जब ये इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ, फैंस इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। और नाना संग उत्कर्ष भी नजर आएंगे। जी हाँ, इस फिल्म में नाना के साथ गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे जीते यानी उत्कर्ष शर्मा भी लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। बेबी जॉन भी आने वाला है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म में बेबी जॉन भी क्रिसमस के मौके पर यानी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में वरुण के अलावा वामिका गब्बी, सानिया मल्होत्रा, जैकी श्रॉफ भी फिल्म में नजर आएंगे और एक ही दिन में नाना पाटेकर और वरुण धवन की फिल्म थिएटर में वापस में टकराने वाली हैं।
अगली खबर आपको बताते हैं कि डांसर थे फिर एक्टर बने बॉलीवुड स्टार्स, कई तो कर चुके हैं बैकग्राउंड डांसर का काम। एक्टिंग की दुनिया में कामयाब होने से पहले बैकग्राउंड डांसर हुआ करते थे ये कलाकार, आज दुनिया भर में मशहूर है नाम। पहले डांसर हुआ करते थे कामयाब बॉलीवुड एक्टर। बॉलीवुड में ऐसे तमाम कलाकार हैं जो सिनेमा जगत में आने से पहले डांसर थे और डांस जगत में आकर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होने वाले इन कलाकार में आप कितनों के नाम जानते हैं? चलिए जानते हैं कि ऐसे एक्टर्स की लिस्ट जिन्होंने डांस से एक्टिंग की दुनिया में आकर नाम रोशन किया। जी हाँ, प्रभु देवा। लिस्ट में पहला नाम है साउथ के स्टार डायरेक्टर प्रभु देवा, और प्रभु देवा डांस की दुनिया के बादशाह हैं और उन्होंने कई फिल्मों में कोरियोग्राफी भी की है और फिर उन्होंने अभिनय जगत में कदम बढ़ाया और कामयाबी हासिल की। माधुरी दीक्षित, कम लोग जानते हैं कि माधुरी दीक्षित को अपने फिल्मों में कोरियोग्राफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक्ट्रेस के हर डांस मूव के कमाल होने की वजह यह है कि वह एक ट्रेंड कथक डांसर है। शाहिद कपूर, जी हाँ, एक्टर के ज्यादातर फैंस जानते हैं कि शाहिद कपूर सिनेमा जगत में कामयाब होने से पहले एक बैकग्राउंड डांसर थे। सोशल मीडिया पर आज भी उनके कई वीडियोस उपलब्ध हैं और जिनमें वो किसी गाने में बतौर बैकग्राउंड डांसर नजर आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण और हम बात करने वाले हैं, और अरविंद सिंह की पत्नी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने देश की नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है। और कम लोग जानते हैं कि दीपिका पादुकोण ने फरहान खान की कोरियोग्राफी में बने सॉन्ग धूम मचाले और बतौर बैकग्राउंड डांसर का काम किया था। अरशद वारसी, कम लोग जानते हैं कि अरशद वारसी ने सिनेमा जगत में कामयाबी पाने से पहले काफी वक्त तक बैकग्राउंड डांसर का काम किया। वह वांटेड और रेडी जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आ चुके हैं। डेजी शाह, एक्ट्रेस डेजी शाह ने मिस इंडिया का खिताब जीतने और सिनेमा जगत में कदम रखने से पहले बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया है। अगली न्यूज आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना सुर्खियों में है। आयुष्मान ने इस वक्त अपने म्यूजिक बैंड आयुष्मान भवा के साथ अमेरिका टूर पे गए हैं और यहाँ पर हालांकि वह इस वक्त अपने म्यूजिक बैंड की वजह से लाइमलाइट में नहीं है और बल्कि अपने इंटरव्यू की वजह से चर्चा का विषय बने हुए। दरअसल आयुष्मान ने हाल ही में दिया इंटरव्यू में अपने पिता और बच्चों को खुलकर बात किया है। आयुष्मान ने अपने पिता को तानाशाह कहा है, वहीं अपनी बेटी को भगवान का आशीर्वाद बताया है। और आयुष्मान ने ऑनेस्टी सेइंग को दिया इंटरव्यू में कहा कि 20-25 साल का था जब मैं पापा बना, हाँ, और जब विकी डोनर रिलीज हुआ। वीडियो को लाइक करें।